नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विपुल रात्रिक और स्वागत है विपुल एजुकेशन की संस्कृत व्याकरण की क्लास नंबर 33 यानी क्लास नंबर 33। और हमारा संधि टॉपिक चल रहा है सबर संधि, हमने कंप्लीट कर ली। कल आपसे क्वेश्चन भी 30 पूछ लिए थे। आज हम जो है व्यंजन संधि पढ़ेंगे और दो प्रमुख संधियां सचुत्व संधि और षटुत्व संधि की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सचुत्व संधि के साथ। तो देखो, सचुत्व संधि जो होती है, सचुत्व संधि, इसको मैं आपको इसके नाम से ही ट्रिक में लेके जा रहा हूं। यहां देखो आपको नजर आ रहा है से, यहां चे और यहां नजर आ रहा है ते। ठीक है, तीन वर्ण है से चे ते। सचुत्व संधि के अंदर इन तीन वर्ण के अलावा एक वर्ण और है। ये चार वर्णों पर ये पूरी सचुत्व संधि आपको मतलब ध्यान रखना है कि इनके आगे पीछे होने पर, इधर उधर होने पर आग पहले क्या हो उसके बाद क्या बनता है, पहले क्या था उसके बाद क्या बनता है, ये इन तीनों पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका सूत्र है सतो शत्रुना सचु है, सतो शत्रुना सचु है। अब देखो ये से, ये ते, ये से और ये चे, और ये से और ये चे। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। देखो ये दो मित्र हैं से और ते, से और ते मित्र हैं। से और ते दो मित्र हैं, यानी तालव आपके दंत सकार और तेवर दो मित्र हैं। और अगर इन मित्रों के बाद दो और मित्रों का जड़ा जाए, यानी तालव स्कार और चैवर, यानी एक स्थान है, एक ग्राउंड है, मान लो खेलने का, उस स्थान पर ये दो खेल रहे हैं से और ते, और इनके स्थान पर इनके सामने ये दोनों आ गए से और ते कि हम भी यहां खेलेंगे। तो ये क्या होता है, इसके स्थान पर ये खेलेगा, यानी से का बनेगा ये से, और इस तैवर के स्थान पर ये तैवर बनेगा तय का चे। तय का चे, थे का छे, ते थे दे का जे, धे का छे और थे थे ने का ये हो जाएगा। यानी इन्होंने इनके स्थान पर ग्राउंड, यानी जो मैदान था वहां पर अब इनका आदेश होगा, यानी अब ये ग्राउंड पर ये वर्ण खेलेंगे। ये वर्ण जब जब जहां जहां इन वर्णों के आगे आगे या पीछे ये वर्ण होंगे, तो इन वर्णों के स्थान पर ये वर्ण आएंगे। यानी अगर से के आगे ये से आगे हो चाहे पीछे हो, ये से आएगा। तय के तय वर्ण के आगे जो तय है इसके आगे पीछे चय हो तो चय आएगा, थे के स्थान पर छ आएगा, इस दे के स्थान पर ज आएगा, इस दे के स्थान पर झ आएगा, इस ने के स्थान पर ज्ञ आएगा। इनको इसीलिए इस संधि का दूसरा नाम है तालव्य संधि। तालव्य संधि इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सारे तालव्य वर्ण हैं। इधर वाले देखो ना, इक्यू जैसा नाम तालु तो उसमें स वर्ग आता है और ये पूरा चय वर्ग आता है, तो ये तालव्य संधि है। यानी ये जो है इतने वाले वर्ण जो है ये से किसमें आता है, दंते माता है, और ये सारे दंते मध्य, ये सारे घर के दंते वर्ण है। इन दंते वर्णों के स्थान पर तालव्य वर्ण आ जाते हैं, इसीलिए इस सचुत्व संधि का दूसरा नाम है तालव्य संधि, यानी इसको तालव्य संधि कहते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा इस संधि को अच्छी तरह समझाता हूं। जैसे एक पहला उदाहरण लेते हैं सत प्लस चित, सत प्लस चित। अब देखो सत प्लस चित जो उदाहरण है हमारा, इसके अंदर हमें सचुत्व संधि करने से पहले चरत्व संधि करनी होगी। चरत्व संधि हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी समझा देता हूं। चरत्व संधि में क्या होता है कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के आगे यदि पहला दूसरा या से 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 हो, तो उसी वर्ग का, यानी उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होगा, वर्ग का प्रथम हो जाता है। यानी यहां जो वर्ग है ना, ये वर्ग,
इनके आगे ये एक दो हॉर्स ऐसे हो तो इस वर्ग का पहला वर्ग। अब देखो इस संधि का यहां नियम, ये तय वर्ग है, तय वर्ग के बाद ये तय वर्ग है, इनमें से पहले दूसरी मांग रखे ये वर्ग का पहला है और इधर ये वर्ग का पहला है, तो इस सत प्लस चित का सतचित हो जाएगा, ये होगा ऐसे सत प्लस ये सतचित ऐसे हो जाएगा, यानी ये तरह तो संधि की गई है। इसके बाद आपको इसकी स्थिति सतचित संधि करनी है, तय आ रखा है तय के स्थान पर चय कर दो, चय आधा चय चित सचित ये बन जाएगा, ये इसका उदाहरण बन जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण आ रहा है, एक और उदाहरण लेते हैं, सत प्लस जन, सत प्लस जन जो उदाहरण है ये देखो, सत प्लस जन में जसत्व संधि होगी, जसत्व संधि में क्या होता है दोस्तों, वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, तरत्व में पहला वर्ण आता है, इसमें तीसरा वर्ण आएगा, यहां तय के स्थान पर दय आएगा, सत प्लस जन। अब देखो यहां क्या है दय, दय के साथ में क्या बना दिया जय, तो दो जाएंगे सज्जन, सज्जन ये उदाहरण बन जाएगा, ये उदाहरण बन जाएगा, यानी सत्चित ऐसे बनेगा और सज्जन ऐसे बनेगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट हमारा उदाहरण है उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है उद प्लस जवल से बनता है, उद प्लस जवल, उद प्लस जवल के बाद इसी का बनता है उद जय वल, और फिर बने आता है ये उज जय वल, यानी दोनों जय आदि होंगे उज्ज्वल में, ये उज्ज्वल भी सचित्व संधि का उदाहरण है। इसके बाद हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक है राज प्लस ने, अब देखो राज प्लस ने जो उदाहरण है इसमें आप देखो यहाँ जय है, यहाँ जय नजर आ रहा है, जय का नजर आ रहा है यहाँ, और यहाँ क्या है ने, अब इस ने के स्थान पर क्या होगा, आगे हो चाहे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस ने का ये बनाएंगे, तो देखो राज प्लस इसका ये बनाएंगे, तो जय हनंत और ये हनंत, ये जय और ये मिलकर क्या बनते, ये बनते, तो ये बनेगा राज्य, राज्य बनेगा। तो ये है कुछ उदाहरण इसके आपके इससे सचित्र संधि के। अब हम जो है आपको इसका अपवाद बताते हैं, अब हम इसका आपको अपवाद बताते हैं, अपवाद देखो, इसका अपवाद सूत्र है, मतलब जो इसका अपवाद बताते हैं उस सूत्र का नाम है सात, एक सूत्र है इसका अपवाद सूत्र है सात। सात क्या करता है, यदि पद के अंत में, पद के अंत में से इस से के आगे तय हो, इस से के आगे हो तय हो तो सचुत्व कार्य नहीं हो, क्या होगा सचुत्व कार्य नहीं हो, कार्य नहीं होगा, यानी इस से के आगे अगर चे ये तय आ जाए तो सचुत्व कार्य नहीं होगा। जैसे शब्द बनता है प्रस प्लस ने, ये सीधा ही बनता है प्रश्न ने, विष प्लस ने है विषन ने, ये सारे इस सात उदाहरण के हैं। अगर यहाँ सतत्व कार्य होता तो आप समझ सकते हो इस अगर तय होने पर इस नए का ये बन जाता, क्या बन जाता तय का ये बन जाता, लेकिन ये सूत्र निषेध करता है कि सात सूत्र के कारण इस सह का ये सह के आगे तय होने पर सतत्व संधि कार्य नहीं होगा। तो ये आपकी सतत्व संधि कंप्लीट हो चुकी है। कुछ डाउट हो या ज्यादा उदाहरण अगर आपको समझाने हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, ज्यादा उदाहरण भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि आपका थोड़ा समय जो है वो बताया जाए, इसमें दो चार जो उदाहरण है वो बता देता हूँ। अब देखते हैं षटुत्व संधि को, षटुत्व संधि या जिसका नाम है मूर्धन्य संधि, इसका नाम है मूर्धन्य संधि, इसी को मूर्धन्य संधि भी कहते हैं, षटुत्व संधि को ही मूर्धन्य संधि भी कहा जाता है। षटुत्व संधि का सूत्र है षटु षटो, षटुना षटु है, षटुना षटु है, षटुना षटु है, यानी इसके अंदर आपको समझना है कि इसके अंदर इस सह और आपके तय के बाद, सह और तय के बाद यदि
यह से और ये टे हो, ये से और टे के बाद ये से और टे हो, तो इनके स्थान पर, इस से के स्थान पर तो होगा ये से और इस टे के स्थान पर होगा टे, टे का टे, थे का ठे, दे का ढे, धे का टे ठे डे, हाँ टे ठे डे डे ढे, और इस ने का होगा ये टे ठे डे डे अने, इसका होगा अने। इस संधि, ये सारे वर्ण क्या है, मूर्धन्य वर्ण है, ये सारे क्या है, मूर्धन्य वर्ण, इसीलिए इस संधि का नाम है मूर्धन्य संधि, यानी सारे वर्ण जो आदेशी होंगे वो मूर्धन्य होने के कारण इस संधि का नाम है मूर्धन्य संधि। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे पहला उदाहरण हम इसका देखते हैं, सत प्लस टीका, सत प्लस टीका, तो इस सत प्लस टीका में ये तय है, इस तय के बाद में क्या गया टय, तो इस तय के स्थान पर क्या आएगा टय आएगा, तो ये बनेगा सत सटीका, सटीका सटीका का बन जाएगा। जैसे एक आता है तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो इसका क्या बनेगा तटीका, तय टी का तटीका, इस प्रकार यह बनेगा। जैसे एक शब्द है उत प्लस दीन, उद प्लस दीन, अब देखो ये दय है, दय के बाद क्या डय है, तो दो डय आएंगे, उड डीन, उडे डीन, उडीन, ऐसे शब्द बनेगा उडीन। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखें, जैसे रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते, अब इस सह के बाद में टे आ गया, इस सह का हम दूसरा सह बनाएंगे, ये बनेगा रामस टीकते, रामस से टीकते, ये हैं इसके कुछ है और उदाहरण। अब देख लो इसके भी दो अपवाद सूत्र हैं, इसके भी दो अपवाद सूत्र हैं, इसके अपवाद सूत्र हैं, एक तो नय पदांता टटोरम, नय पदांता टटोरम, नय पदांता टटोरम, नय पदांता टटोरम, टोरम, नय पदांता टटोरम, इसमें क्या है, पद के अंत में यदि पद हो, यानी धातु रूप और शब्द रूप हो, उस पद के अंत में यदि टय हो, पद के अंत में क्या हो टय हो, पद के अंत में टय हो तो षटुत्व कार्य नहीं होगा, षटुत्व कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, यानी पद के अंत में टय होने पर षटुत्व कार्य नहीं होगा। जैसे षट प्लस संति, यहां पर षटुत्व कार्य नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है, यदि पद के अंत में टय वर्ग के आगे, इस टय के आगे यदि नाम शब्द या नगरी शब्द हो या नौती शब्द हो तो आपके षटुत्व कार्य होगा, ये ध्यान रखना, टय की बात नाम नौती नगरी हो तो आपकी क्या होगा षटुत्व कार्य होगा। कैसे होगा, जैसे सस प्लस नाम है, तो इसका आप इस से, इसका जो है पहले जसत्र संधि करके षड प्लस नाम बनाएंगे, ठीक है, अब इसका डय के बाद नय आ गया तो इसका बनेगा क्षण नाम, क्षण नाम, क्षणा क्षण नाम, ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो ये नाम वाला उदाहरण है, नवती वाला देख लो, सस प्लस नवती, सस प्लस नवती, और इसका बनेगा, पहले बनेगा षड नवती, फिर बनेगा क्षण नवती, क्षण नवती, इसी प्रकार नगरी वाला देख सकते हो, सस प्लस नगरी, षड नगरी, और फिर क्षण नगरी, क्षण ने दे, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब इसका भी एक अपवाद सूत्र है, एक और अपवाद सूत्र है जिसका नाम है तोसी। तोसी क्या कहता है, तोसी ये कहता है कि पद के अंत में तय वर्ग के आगे मूर्धन्य से होने पर षटुत्व कार्य नहीं होगा, पद के अंत में यदि तय हो और तय के बाद क्या हो दूसरा से हो
तो सटुत्व संधि नहीं होगी। उदाहरण है सन प्लस षष्ठ, सन प्लस षष्ठ, सन प्लस षष्ठ, यानी पद के अंत में तेवर है और तेवर के क्या बाद है क्या मूर्धन्य से, तो सन प्लस षष्ठ होगा, यहां सटुत्व कार्य नहीं होगा। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर सटुत्व संधि और षटुत्व संधि साथ में हो तो इसे कहते हैं विशिष्ट हल संधि। इन दोनों के योग को कहा जाता है विशिष्ट हल संधि। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज की सचुत्व और षटुत्व संधि का वीडियो, जिसमें मैंने आपको सचुत्व और षटुत्व दोनों बता दी, दोनों के नियम बता दिए, कुछ उदाहरण भी दे दिए और अपवाद भी बता दिए साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ा, हो सकता है कि ऐसा लगा हो कि सर ने थोड़ा जल्दी बताया, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी बताने का कारण यह है कि इसमें ज्यादा उदाहरण अगर मैं आपको बता दूं, वैसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, अगर आप चाहोगे तो संधि टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तो मैं पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, ये प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर वो प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपने इस चैनल पर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।